नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी का थर्ड टॉपिक बहुलक निकालना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने सांख्यिकी का फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमने माध्य और माध्यिका निकालना सीखा था। आज का हमारा थर्ड टॉपिक है जिसमें हम बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे, तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ हमें दिया है 6, 3, 5, 6, 9, 6, 2, 8, 6। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बहुलक होता क्या है, तभी हम संख्याओं का बहुलक ज्ञात कर पाएंगे। तो बहुलक का मतलब बहु से हमें पता चल रहा है शब्द से ही कि जिसमें किसी संख्या का अधिक से अधिक मात्रा में होना या अधिक से अधिक नंबर्स में होना पाया जाता है, तो वही हमारा बहुलक कहलाता है। तो देखिए हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। बहुलक सबसे पहले हम ये देखेंगे, फर्स्ट संख्या हम उठा लेंगे। पहले फर्स्ट संख्या हमारी क्या है, 6। ठीक है, अब 6 इसमें कितनी बार आया है देखें, 1, 2, 3, 4। 4 से ज्यादा बार नहीं आया, तो 6 बराबर यहाँ हम लिख देंगे कितना, 4, मतलब 4 टाइम्स आया है। यहाँ हम लिख देते हैं 4 टाइम्स, है ना। ठीक है, तो ये हमारा 4 टाइम्स हो गया। इसके बाद हमारा कौन सी संख्या है, 3। 3 को देख लेते हैं कितनी बार आया है, 3, 1, 1 के बाद ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 टाइम। ठीक है, इसके बाद 5 है, 5 हमारा कितनी बार आया है देखिए, पूरी संख्या में 5 हमारा एक ही बार आया है, तो यहां पर भी हम लिख देंगे 1 टाइम। नेक्स्ट है हमारा 6, हमने ले लिया है। ठीक है, अब 9 संख्या लेते हैं, 9 हमारा कितनी बार आया है देखिए, 9 भी हमारा 1 टाइम आया है, तो यहां पर हम लिख लेंगे 1 टाइम, मतलब एक ही बार आया है। इसके बाद 6 हमने ले लिया था। फिर हमारा 2 है, तो 2 भी हमारा इसमें एक के अलावा कोई और नहीं दिख रहा, तो 2 भी हमारा कितनी टाइम आया है, 1 टाइम आया है। अगली ये संख्या क्या है हमारे पास, 8 है, तो 8 भी हमारा पूरी संख्या में बस एक ही जगह दिख रहा है, तो 8 को भी हम आगे क्या लिख देंगे, ये भी हमारा 1 टाइम है, मतलब एक बार है, और 6 हमारा हो ही गया है। अब देखिए हमारी कितनी संख्याएं हो गई, ऊपर कितनी थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए 6 को हमने लिख लिया कितनी बार, 4 टाइम, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया इनका योग, क्योंकि 6 हमारा 4 टाइम है। अब हमें इसमें ये देखना है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, तो इसमें अब हम साफ देख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुलक क्या हो जाएगा इसमें। तो 6 हमारा 4 बार आया है, बाकी सारी जो संख्याएं हैं वो एक एक बार आई है, तो मतलब बहुलक किसके साथ जा रहा है, 6 के साथ। तो हम यहां पर लिख देंगे बहुलक बराबर 6, यही हमारा आंसर है। इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया, बहुत ही सरल है बहुलक निकालना। तो देखिए किस तरह से इसे सॉल्व किया हमने, कि मतलब संख्याओं को हमें काउंट करना है कि कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट हुई है, और उसके आगे उसका नंबर लिखकर उसी को काउंट करके हमें बहुलक निकाल लेना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 2, 2, 3, 2, 4, 2, 2, 6। अब देखिए सबसे पहली संख्या ही उठा लेते हैं हम, 2। 2 हमारा कितनी टाइम से इसमें काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 टाइम से यहाँ हमने क्या लिख दिया, 5। ठीक है, इस तरह से। अब दूसरी संख्या हमने हो ही गई है, 3 ले लेते हैं। इसके बाद 3 इतनी बार आया है इसमें, 1 टाइम आया है 3। ठीक है, इसके बाद कौन सी संख्या लेंगे, 4। 4 कितनी टाइम है इसमें देखिए, 4 भी हमारा 1 टाइम है। अब कौन सी संख्या बची हमारी, 6। तो 6 भी हमारा कितनी बार आया है, ओनली 4, 1 टाइम। ठीक है, यहां पर चाहे तो आप लिख सकते हैं इतनी बार, ठीक है ना, 1 टाइम। ये 5 टाइम आया है, ये 1 टाइम आया है। ठीक है, ये
ये भी वन टाइम आया है। तो अब इसमें आपको साफ पता चल रहा होगा कि बहुलक क्या है। तो देखिए टू जो है हमारा फाइव टाइम आया है, बाकी सब वन टाइम आए हैं। तो इस संख्या में हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर कितना आ जाएगा, टू, ये टू के साथ चला जाएगा और यही हमारा राइट आंसर है। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था सांख्यिकी का, जिसे हम बहुलक कहते हैं। और बहुलक आज हमने बहुत आसान ट्रिक से, मतलब बहुत सरल तरीके से याद किया है। ऐसे कुछ और भी क्वेश्चंस आगे आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच।